ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को महिला वर्ल्ड कप के 18वें मैच में 6 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 278 रन का टारगेट दिया था, जिसे कंगारू टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान मैन लेनिंग टॉप स्कोरर रही, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई। भारत के अब 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में बचे हुए दोनों मुकाबले बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं। ये दोनों मैच टीम इंडिया को जीतने होंगे। उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अफ्रीकी टीम ने अब तक खेले 4 मुकाबले जीते हैं और वे कमाल के फॉर्म में हैं। अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय महिला टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है तो इससे भारत के रन रेट में इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ 222 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 277 रन का स्कोर बनाया है। कप्तान मिताली राज टॉप स्कोरर रहीं। यास्तिका भाटिया 59 और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 57 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डार्सी ब्राउन ने 3 विकेट लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं निहल। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।